झांसी प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पुलिया नंबर 9 में दोपहर अचानक एक मकान में विस्फोट होने से मकान की दीवार और छत गिर गई, जिससे एक युवक घायल हो गया है। आतिशबाजी में विस्फोट होने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचेगी। इधर घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। करीब 5 मिनट तक लगातार धमाकों की आवाज से पूरा इलाका हिल गया है। हम नीचे थे तो धमाका हुआ, एकदम वो जिया जी ऊपर आए तो वो इधर से गए नहीं है। धमाका हुआ तो बस हम इधर आए तो हम चिल्लाने लगे, तो हम नीचे गए तो कोई हमारे बचाने के लिए कोई नहीं आया। बस वो खुद गए हैं इधर से, अकेले गए हैं। वो जिया जी ज्यादा घायल हैं। कैसे निकले थे अंदर से बाहर? वो हमने ये तो हमने देखा नहीं है। वो कैसे टूट गया? ये भी हम आए ही नहीं है, हमें चढ़ने नहीं दिया। हाँ, दरवाजा बंद रखा हुआ था। ये रखी थी 4-5 पैकेट रखी थी। प्रेमनगर पुलिया नंबर 9 के पास में यशोदा बाईपास गनु का मकान है, जिसमें इनके दामाद ग्वालियर से आए थे, जो कि कुछ पटाखे गैस में लेकर के आए थे, गैस में चलाने के लिए। ये ग्वालियर में पटाखे का काम करते हैं और यहाँ पर कोई न पटाखा कोई फैक्ट्री है न कोई कुछ है, केवल पटाखा चलाने के उद्देश्य से पटाखे रखे थे। अचानक उसमें विस्फोट हो गया और उसमें राम नारायण सनोब गंगाराम घायल हो गए। उनको हॉस्पिटल पहुँचा गया और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।